you see the diagram also, they given you chord TS and chord RQ. They intersect externally at point P. They are given you the value of SP as 8, PQ as 6, RQ as 10. We have to find the value of TS. अगर आप लोग डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो फिर डायग्राम में क्या दिखाई देते हैं, दोनों कॉर्ड TS एंड RQ दे आर टचिंग वे सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है, दे आर सर्कल के बाहर है वो, तो हम लोग कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, थ्योरम ऑफ व्हाट इट इज एक्सटर्नली करेक्ट डिविजन ऑफ कॉर्ड्स इट इज. सो फर्स्ट वी वॉन्ट, हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट वी वॉन्ट PR. So value of PR is what? PQ plus QR. So we write it down here. PR is equal to PQ plus QR. Reason will be P dash Q dash R. तीनों point एक line पे ही है, collinear. So PR is equal to PQ का वैल्यू है मेरे पास 6 प्लस QR का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 16 आई एम गेटिंग हियर. नाउ बाय एक्सटर्नल डिवीजन व्हाट इज द फॉर्मूला आई एम गेटिंग हियर, PS इनटू PT इज इक्वल टू PQ इनटू PR. सो राइट इट डाउन एज इट वे, देयरफॉर PS इनटू PT इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई बाय पी आर, करेक्ट, पी एस इंटू पी टी इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर. रीजन थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स विच वी हैव डन इट अर्लियर. कॉर्ड्स आप देखो TS एंड RQ कहां पे टच हो जाते हैं, बाहर टच होते हैं सर्कल के बाहर एट पॉइंट Q एट पॉइंट P. सो वी आर यूजिंग दिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. अब हम लोग क्या करेंगे, PS, PT, PQ, PR जिस किसका भी वैल्यू हमारे पास है वो हम लोग यहाँ पे लाते. सो आई रिटर्न योर 8 मल्टीप्लाई बाय PT इज इक्वल टू 6 इंटू 16. Now we want the value of PT. So PT is equal to 6 into 16. Abhi 8 multiply by PT hai. 8 agar equal to ka right hand side pe jayega to kya hoga? Division. So 16 aur 8 dono 8 ke table mein aata hai. So 8 1 the 8, 8 2 the 16. So I am getting the value of PT as 12. 6 into 2 get 12 units. मेरा अगर PT का वैल्यू 12 है एंड TS का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो ST का वैल्यू कितना, 12 माइनस 8 इज 4. बट वी हैव टू राइट इट डाउन एंड वी हैव टू शो इट. सो आई विल राइट इट डाउन, PT इज इक्वल टू PS प्लस ST. रीजन आएगा P डैश S डैश T तीनों पॉइंट एक लाइन पे ही है, कोलिनियर है. देखो तो इसके हम लोग लिखेंगे, therefore PT का वैल्यू है 12 मेरे पास, अब यहाँ है 12 इज इक्वल टू PS इज 8 प्लस ST, therefore ST इज इक्वल टू 12 माइनस 8, सो इट विल बी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. सो राइट ऑन द फाइनल आंसर, ST इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. So that's it. Very easy sum. Now we'll see to question number 5.